केक वो दूसरी चीज ना निकाल के लिया चोरी चोरी। इस्लामाबाद वाला केक है, इस्लामाबाद वाला केक अभी केक है। और जा जाके आऊंगा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अब आप भी खिलाओ, शर्म आती है। ये लो जी, चलो चलो ये जी। अब लग रहे हैं ना हैप्पी कपल। ये हैप्पी कपल की ना अभी कल परसों लड़ाई होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सीन बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज दिन भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। दरअसल आज के दिन मेरे अम्मा अब्बा की शादी हुई थी यार, बता था। आज का दिन इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि अम्मा अब्बा की शादी हुई। अम्मा तो मैंने भी यही बताया, वैसे मैं आगे बता रही हूँ ना। अम्मा अब्बा की शादी के बाद कुछ अरसे बाद जुल्कनैन पैदा हुआ और जुल्कनैन की अम्मी से शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दिन बहुत ये क्या है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। घूम फिर कर अपना ही फायदा, कोई फायदा नहीं। मेरा क्यों नहीं फायदा, मेरा फायदा है ना मेरे भाई। से शादी कर, मेरा फायदा ये है कि मेरे अम्मी अब्बू की शादी हुई, फिर अल्लाह ताला मुझे इस दुनिया में लेकर आए। और क्या चाहिए भाई, दुनिया में आ गए हो। हम लोग आज जो है वो हम एनिवर्सरी जो है हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी खुशी के लिए हम एक केक लेके आएंगे और सारी फैमिली, क्योंकि हम इकट्ठे काफी देर बाद होते हैं सब लोग, हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना भी टाइम हम स्पेंड घर कर सके उतना करें, और हम लिटरली उतना टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। तो हम केक लेके आएंगे, केक कट करेंगे, वो भी खुश, हम भी खुश, अल्लाह भी खुश और एहतराम भी करें। तो अभी भाई लोग, हम लोग पहले जा रहे हैं मॉल ताकि तोहफा शुफा लें, और उसके बाद बाकी जो तैयारियां शैरियां वो करेंगे। ओके हाँ जी, बाबा जी पहुंच गए मॉल। बाबा जी आ जाओ आप भी जल्दी से। समझ में ये नहीं आ रहा कि पर्स ही लूं या फिर कोई सूट ले लूं, और डैडी के लिए क्या लूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये वाला ये मम्मी के लिए, ये अच्छा, ये बहुत प्यारा है। ओके हैंडी भी है, चस वाला। चलो ये मम्मी के लिए ओके करो। डैडी के लिए कोई सूट वगैरह देखता हूँ या कोई परफ्यूम देखता हूँ, देखता हूँ कि इनमें से क्या चीज मुझे पसंद आती है, या तो सूट या फिर परफ्यूम। मेन सूट तो इनके पास बहुत कम है कलेक्शन में। ये वाला थोड़ा डिसेंट लग रहा है, इसमें एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। लार्ज है, लार्ज ये तो डैडी को फंसेगा भी नहीं। परफ्यूम की तरफ ही चलता हूँ, परफ्यूम ही सही रहेगी। ये ठीक है, ये फिट है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए भी ले लूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, डन विद शॉपिंग एंड 200 प्लस सेल्फीज। अभी बस सीन ये है कि केक शेक भी लेंगे और जो दूसरे कामकाज हैं वो भी करेंगे। हम लोगों ने अपना तोहफा तो खरीद लिया अम्मी अब्बू के लिए। हाँ जी, केक लेने आ गए हैं हम लोग अभी, और केक सेलेक्ट करते हैं फिर। केक यार हमारी फैमिली खाती कोई नहीं है, मैं सही बात बताऊँ तो जाया ही होता है एक तरह से। तुम खाओगी, ये भी इतना सा खाएगी, जाया ही होता है। तो इसलिए हम लोग केक के मामले में थोड़ा देखते हैं कि क्या सीन करना है। ओके, अरे पैसा कहाँ पर है? पैसा नहीं, कार्ड, कार्ड ले लेगा ना, कार्ड चलेगा ना। मेरी पॉकेट में है, आ जाओ। ये वाला कौन, ये वाला कर। ये फ्लेवर कौन सा है? ये चॉकलेट मेरा फेवरेट। यही दे दे। कितने साल हो गए अम्मी अब्बू को? 38। पक्की बात है? बॉस इसके ऊपर लिखना है हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 20, हैप्पी 38। चलो मैं चुप करेंगे। ये ब्राउन सी कलर के कर दो इसके, नहीं ब्लैक, वाइट चाहिए, वाइट नहीं। देखा इतनी बड़ी बेकरी, बिस्ती करवा रहे हो यार, ढूंढ ले मिल जाएगी। मिल जाती है बेगम, गुस्सा नहीं करो ठीक है। ब्राउन ही केक कैंसिल, लिखो जरा हैप्पी। आ रहा है, आ रहा है, नजर आ रहा है यार। मेरी जान बता देते कि लाइट में है यार, हम लोग तो ऑर्डर ही कैंसिल करने लगे। केक तो मैंने ले लिया अम्मी अब्बू के लिए, अभी अपने लिए मिठाई लेने लगूं, क्योंकि मेरा आजकल मीठा खाने को बहुत ज्यादा दिल करता है। गुलाब जामुन और रसगुल्ले कहाँ हैं? ये आपके रसगुल्लों का कलर चेंज है यार, ये वाले मुझे लग रहे हैं रसगुल्ले। आधा किलो रसगुल्ले, गुलाब जामुन कर दो। हाँ जी लिखा गया है जनाब, ओके है, बॉस पैक कर दो। अभी हम लोगों को फूल नहीं मिल रहे, इतना उदास मत हो। दो तीन दुकानें चेक कर ली हैं, वो बंद है। कुत्ते को पीछे पड़ गए हो? हाँ सुनाटे में ले आई हो, कुत्ते पीछे पड़ गए हैं हमारे। कौन है, कहाँ से आते हैं? कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते।
काफी ज्यादा कुत्ते पीछे पड़ गए अपने तो। चले जी अब ये चौथी दुकान हम लोग देखने जा रहे हैं फूलों वाली। ये मिल गई ये दुकान हमें, ये मिल गए हैं वो गुब्बारे लगे हुए हैं जो ये भी है। इनमें से कोई वो है हैप्पी एनिवर्सरी वाला? ऐसा नहीं है फिर तो फायदा नहीं है। वो रेड वाला है ना, वो लव यू का। हाँ वो दे दे, लव यू वाला दे दे। ठीक है ओके हो गया सिस्टम। चले जी चीजें वगैरह हमने ले ली है, फूल और गुब्बारा भी। अभी जाएंगे सीधा घर क्योंकि बेगम मुझे लगता है चूड़ियां नहीं मिलेंगी। अभी घर पहुंच गए, पहले अंदर का मॉल चेक करते हैं, बाद में चीजें गाड़ी से निकालता हूँ। हाँ जी अब्बू लोग तो उधर है, जा गाड़ी से ना ये केक और वो दूसरी चीजें ना निकाल के ले आ। चोरी चोरी इस्लामाबाद वाला केक है, इस्लामाबाद वाला केक अभी केक है और जा जाके केक लेके आओ। चोरी चोरी समझ रहा है, अम्मी अबू से बचाकर। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। अच्छा ये माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे देसी कपल है अम्मी अबू। एक वीक पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अम्मी अबू की एनिवर्सरी आ रही है, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कितने साल हो गए हैं ये तो बताएं। अम्मी सोच रहे थे, अबू ने कैलकुलेट करके मुझे बताया, मुझे भी और कमल को भी क्या बताया था 38। अभी आज घर पे पहुंचे हैं और ये केक देखे, इन्होंने वो लिखा है कि 38 लिखा है। ये कहते 38 नहीं हुए, मैंने कहा कितने हुए, कितने हुए 36 साल। मतलब ये चेक कर लो अम्मी, अब्बू को शादी के साल भी नहीं याद, कितने अफसोस वाली बात है। आपको याद है, आज भी अम्मी को याद आए कि 36 साल हुए हैं, तो अनु नहीं याद अब्बा जी, तो अनु बोरी साहब से किताब याद नहीं। किन्ने बंदे गए थी बरात ना, इस तरह की चीजें, मतलब देसी फैमिली में यही होता है भाई। और हर चीज याद है कि इसको मैंने 20,000 दिया भाई, इससे 20,000 रुपए नहीं इस महीने की इस डेट को लेना है, लेकिन और कुछ भी नहीं याद। चले जी केक कट करते हैं। भाई जो आग लगाने में मास्टर है वो तीली लगाए, तुम लगाने लगी। अच्छा 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 चलो चलो आग लगाओ, ये मुझे पकड़ा दो यार। चले जी एक मिनट आग लगाने दो। आग लगवाने वाली चीजों में सबसे बोलो 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 हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वाह जी वाह, अब आप भी खिलाओ, शर्म आती है चक। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। हाँ जी आज खिलाना है। हाँ हाँ खिलाएं खिलाएं यार, अब खिलाओ जरा ये क्या? खाने पर जोर, आज खिलाना है। चलो डैडी ये लो जी, चलो आप खा लो ये। ओ यार ये क्या यार, ये क्या बात हुई। खाओ खाओ। अच्छा ये लो डैडी, एक दूसरे का फूल एक्सचेंज करें अब। चले ये वाह जी वाह। अब लग रहे हैं ना हैप्पी कपल। ये हैप्पी कपल की ना अभी कल परसों लड़ाई होगी देखना। अच्छा अभी तक अम्मी अबू लड़ाई कितनी दफा हुई है? 36 साल तो हो गए हैं वैसे आपकी शादी को, कैलकुलेशन याद है? लड़ाई होती रहती है। अच्छा सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी वजह से होती है, आपकी या आपकी? आप लोगों की। मतलब हम लोग ही हैं फसाद की जड़। यार तुम्हें शर्म नहीं आती निकाश, तुम्हें शर्म नहीं आती बरात? मैं जाते बहुत हूं बुड्ढी हो गई है, तुसी ही हो जाओ। अच्छा इसका मतलब होता है कि बड़े बच्चे ने कुछ ना कहो। हां जो मर्जी करे। अच्छा मतलब फिर लड़ाई अम्मी शुरू करते हैं। हाँ फिर मतलब कमल का कोई कसूर नहीं है, उठते ही शुरुआत करते हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है हमारा। दोबारा से आप लोग भी जरा एक दफा अम्मी अबू को मुबारकबाद दे दें। ये डैडी जी आपके लिए मेरी और कमल की तरफ से, ये मामा आपके लिए मेरी और कमल की तरफ से, ये अबू इसमें परफ्यूम है, अम्मी के लिए बैग लेकर आए। अतर नहीं, अतर मेरा कजन है वो बाहर। और ये अम्मी के लिए बैग। अच्छा लगा? हाँ जी आपको अच्छी लगी है अबू? बहुत अच्छी। कमल आरन है, आरन तो मुराद है कि आर कर दी, आर कर दी सारा काम एदे ही। वैसे सही बात है, अबू की बात ये सही है कि कमल ने ये सारी तकरीबात के लिए कहा कि तोहफा लेना ये लेना वो लेना। थैंक यू कमल। अच्छा बताता चलूं कि अम्मी अबू ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, और ये 36वां साल है कि ये फर्स्ट टाइम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो अपनी वही यार देसी फैमिली, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस याद रखा हुआ कि इतने साल हो गए हमारी शादी को बस। Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate.